आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन है द टाइम फॉर 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट एप्रोक्सीमेटली इज, और हमें चार ऑप्शंस दिए हैं। तो बेसिकली हमें मेनली जो करना है इसमें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 90% जो ख़त्म होने का टाइम है उसे हाफ लाइफ से रिलेट करना है। तो सबसे पहले जो हम इसमें देख लेते हैं वो ये है कि जो हमारी हाफ लाइफ होती है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 1 - n। ओके, तो इस केस में हमारा जो n है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिया है, तो टी हाफ जो है वो हमारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 1 - 1 दैट इज 0। तो एक कांस्टेंट आती है और उसकी जो वैल्यू होती है सी नॉट टू द पावर 0 भी मैं लिख लेता हूँ, उसकी जो वैल्यू होती है वो थे टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाय के। ओके, एल एन टू बाय के ये जो है हमारी टी हाफ की वैल्यू होती है। देन जो हमारी रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो होती है के इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए जो है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए माइनस एक्स जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया, ये जो एल एन टू बाई के है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मीन्स जो टी हाफ हमें निकालना है, अगर यहाँ पे हम टी हाफ लिखते 2.303 लॉग ए बाय टी हाफ पे क्या बचेगा ए माइनस ए बाय टू, हमने हाफ रिएक्शन हो गया ये मान लिया है, तो ए बाय टू होगा, तो ये लॉग टू बन जाएगा 2.303 इंटू लॉग विथ बेस 10 है ये, तो ये टू हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एल एन टू बाई टी के। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो हम सीधे इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, तो ये अब हमने 90% के लिए सॉल्व करना है। ओके, तो जब हम 90% कंप्लीट मान रहे हैं तो अगर हम जाएं तो के इक्वल टू 2.303 बाय टी 90, इसको मैंने टी 90 लिख लिया है, लॉग ए बाय 90% पे क्या होगा मेरा ये ए बाय 10 ही बचेगा। ओके, क्योंकि 9a/10 तो चला गया तो ए बाय 10 बचा, तो अब मेरे पास जो ये आएगा वो आएगा ए माइनस ए बाय 10 दैट इज इक्वल टू 9a/10 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिखते हैं, तो ये लॉग वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं, लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, 90% रिएक्शन हो चुका है तो ए माइनस एक्स हमारा क्या था रिएक्शन, मीन्स कितना बचा है रिएक्शन का इस परसेंट होने के बाद, तो 90% हो चुका है तो हमारे पास बचा कितना 10%, तो 10% ऑफ ए क्या हो जाएगा ए बाय 10, तो यहाँ पे मैं सीधे ए बाय 10 लिख लेता हूँ। ओके, तो ए बाय 10 लिखने के बाद ये दोनों कैंसिल, तो हमारा ये क्या आ गया के इक्वल टू 2.303 बाय टी 90 इंटू लॉग 10। ओके, और इसको भी मैं अगर लॉग 10 में ही लिख लूँ तो ये मेरा आ जाएगा एम्प्लाइज टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन के। ओके, अब मैं यहाँ से के को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ टी हाफ के टर्म्स में सिंपली। ओके, तो हमारा के जो है एम्प्लाइज अगर मैं अब रिलेशन लिखूँ तो हो जाएगा 2.303 लॉग 2, यहाँ पे ये लॉग 2 है 2.303 लॉग 2 बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10 बाय टी 90, लॉग 10 यानी कि 1 क्योंकि हम बेस 10 लॉग के साथ चलने लगे हैं,
तो ये हमारा हो गया 1, तो इसको सिंपली मैंने 1 लिख लिया। ओके, देन मेरे को क्या करना है, हाफ लाइफ के टर्म्स में T90 लाना है। तो अगर मैं T90 को हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखूं यहाँ से, तो मेरा जो T90 आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2.303 × 2.303, सिंपली कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ बचा 1 अपॉन log 2 × ये टी हाफ को मैंने ट्रांसपोज किया, इस टी हाफ को मैंने ट्रांसपोज किया इंटू टी हाफ इम्प्लाइज, और लॉग टू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0.3। ओके, देन T90 इक्वल टू T 1/0.3, 1/0.3 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × T½। तो ये हमारा जो है डिजायर्ड रिलेशन आ गया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो T90% है, दैट इज T90 इज इक्वल टू 3.3 × T½। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, थैंक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।